हाँ भाई कपिल, इतना मायूस क्यों है तू? देखो पैर सीधा भी रखा जा रहा, इतनी छोटी सी सीट है। मॉल वैसे ये भी बहुत बड़ा है। कोशिश करो बुढ़े होने से पहले पहले चीजें एक्सपीरियंस कर लो। गुड मॉर्निंग एंड राम राम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज अपना है डे 3 और इस सीरीज का। बाकी भाई नहा धो के अपना अब रेडी हो गए मस्त, और आज हम लोग जा रहे हैं भाई मलेशिया की जो सबसे फेमस चीज है ना वो देखने, बाटू केव्स। आपने अगर सुनी होगी दोस्तों तो बाटू केव्स। और एक आध चीज और है भाई, गर्मी है नहीं, मौसम तो ठीक है, नहीं तो लग ऐसा रहा था मैं कि इस टाइम शायद गर्मी मिलेगी, वो चीज नहीं है भाई। और फटाफट चलते हैं यार, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जल्दी से और फिर निकलते हैं यहाँ से भाई। भाई हम लोग पहुँच गए हैं बाटू केव्स और जस्ट एंट्री पे खड़े हैं भाई। ट्रैफिक काफ़ी हो रहा है तो टूरिस्ट वगैरह ना काफ़ी आता है, जैसे कि आपको पता ही है भाई, बहुत फेमस जगह है। और ये कुछ एंट्रेंस है भाई बाटू केव्स की, ये देखो यहाँ से भी गाड़ी जाएगी अंदर। और ये जितना आपको पीछे दिख रहा होगा ना भाई, पहाड़ी वाड़ी ये सब एक्चुअली में यही केव्स हैं और इसमें अंदर जाना है। तो भाई अपना बाटू केव्स में आ गए हैं, गाड़ी वाड़ी पार्क कर दी और नज़ारा दिखाता हूँ भाई आपको, अल्टीमेट नज़ारा अल्टीमेट। यहाँ से जस्ट हमने एंट्री करी है अभी गेट से और ये हम जा रहे हैं अब केव्स की तरफ। कितनी सीढ़ियाँ हैं कपिल? ये 200 पक्का? मुझे ज़्यादा लग रही है भाई ये। चलो भाई ये देखो भाई, बेसिकली ना ये मैं आपको बता देता हूँ, भगवान मुर्गन जी की ये फोटो है, जो अपना कार्तिक भगवान जी हैं उनको बोला जाता है भगवान मुर्गन, शिव जी जी और पार्वती जी के पुत्र। और भाई स्टैचू ये है 141 फीट ऊंचा। और अभी हमें यहाँ पे जाना है, बेसिकली ये जो आपको दिख रही है ना भाई केव्स बनी हुई हैं, ये पहाड़ है पहाड़ के अंदर। और ये सीढ़ियाँ तकरीबन 200 सीढ़ियाँ बता रहा कपिल, ऐसा 200 है, मुझे तो ज़्यादा लग रही है भाई, बाकी होगा 200 सीढ़ियाँ भी कम नहीं होती यार। और यहाँ से अभी अंदर जाना है और इसमें ना केव्स में अंदर बताते काफ़ी मंदिर बने हुए हैं भाई, हिंदू के मंदिर हैं तो वो सब देखेंगे। और ये जो बाटू केव्स इसका नाम दिया गया है, वो दिया गया इस वजह से यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है बाटू रिवर, उसकी वजह से इनका केव्स का नाम रखा हुआ है बाटू केव्स। अच्छा तो भाई ये हैं सारे टेम्पल्स वगैरह, यहाँ से स्टार्ट हो गए बेसिकली। और अभी पहले हम लोग जा रहे हैं ऊपर भाई, चलते हैं अपना और ज़रा केव्स में होके आते हैं भाई, क्या क्या अलाउड नहीं है वो सब यहाँ लिखा है। फोटोग्राफी तो अलाउड है भाई कुल मिला के, शूज़ रिमूव नहीं करने भाई यहाँ पे, एक अच्छी बात है, नहीं तो 200 पैड़ी चढ़नी पड़ती यहाँ। तो चलो भाई जरा चढ़ते हैं 200 पैड़ी मुर्गन देवता जी का नाम लेके, आओ। अच्छा यहाँ एक चीज़ हो रहा है भाई, कुछ लोग बिना चप्पलों के भी जा रहे हैं, शायद अपनी अपनी इच्छा है बेसिकली, जो मुझे लग रहा है ना साउथ इंडियन लोग हैं ज़्यादा, तो वही है श्रद्धा है भाई लोगों की। और भाई बुरा ही हाल है यहाँ तो, बहुत ज़बरदस्त पैड़ी बिल्कुल खड़ी है, बिल्कुल बहुत एफर्ट लग रहे हैं चढ़ने में ना। और भाई कपिल की होगी हालत ख़राब, कितनी पैड़ियों में देखो, मुश्किल से 50 सीढ़ी चढ़ के आया यार, इसका मुंह देखो, ये देखो दिखाइए ये हालत ख़राब होगी। मगर वैसे एक बात तो भाई, पैड़ी वाक्य में बिल्कुल खड़ी है है ना, ना तो बाज के चढ़ जाता तू है ना, रेड दे चाहोगे बिना ब्रेक के, तो भाई पैड़ी वाक्य में बहुत खड़ी है। तो भाई ये देखो इस शख्स की हालत, कभी थक लिया ये अरे फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए भाई, 200 सीढ़ियाँ ही थी भाई ये चढ़ के। और भाई मेरी भी हालत ख़राब है भाई भाई की, नहीं चढ़ने में बिल्कुल बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ। तो भाई ये देखो यहाँ आते ही थोड़ा नज़ारा बदल गया, और नीचे ना हल्का हल्का गीला भी है क्योंकि केव्स से ऊपर से पानी टपक रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ नीचे जो है वो गीला भी हल्का सा। नो वाटर नो कोल्ड ड्रिंक्स, ले भाई लोग बाग मेरे ख्याल में पानी मांगते होंगे आके। ओहो ये है भाई अंदर का नज़ारा, ओहो भाई तो और भी पैड़ी है यार, है भाई कपिल हंसी छूट गई ये देखो भाई कपिल की हालत होगी और खराब। अच्छा ये टेंपल अंदर, ये देखो भाई दोस्तों एक बार नज़ारा देखो ऊपर, ये केव्स है और केव में ये खिड़की बनी हुई, हवा पानी हवा आने के लिए, नेचुरल है ये नेचुरल खिड़की। और ये हमारे लेफ्ट में मंदिर है भाई, जिस जो भी दिखाया था, तो यहाँ करने थे शूज़ रिमूव,
तो कपिल कह रहे हैं आके देखेंगे वापसी में, एक बार और ऊपर हो जाते हैं, ऊपर भी मंदिर है भाई कोई। अच्छा ये है भाई मेन टेम्पल, जिसके लिए हमें शूज रिमूव करके अंदर तक आना है। तो लो भाई यहीं से अच्छे से दर्शन करा दिया आप लोगों को बाहर से। हो तो चलते भाई अब जरा ऊपर की तरफ, और यहाँ से ऊपर और हो जाए फिर बाद में। तो सही कह रहा कपिल, फिर नहीं चढ़ा जाएगा, एक बार रुक गए तो काफ़ी। इतना दर्द तो भाई लेग्स मार के भी नहीं होता जिम में जितना स्टेयर्स में हो गया वैसे, क्योंकि बिल्कुल ही खड़ी सीढ़ियाँ। और भाई मैं देखो पसीने आ गए इतनी, मतलब मौसम ठीक है ऐसा नहीं है, बहुत गर्मी है उसके बावजूद भी गर्म पसीने आ गया मैं तो। एफर्ट कहीं ना कहीं बहुत लग रहे हैं। और भाई बड़े आदमी जो एजिड आदमी है ना उनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। आओ यहाँ पे ये लो भाई, ये आगे हो ऊपर, और ये केव्स का नज़ारा देख लो यहाँ से खुला हुआ ऊपर पूरा। और ये सामने एक टेंपल और है, यहाँ भी वही शूज़ रिमूव करके होके आना। और ये बने हुए हैं डोनेशन बॉक्स, ये देखो भाई ये रहे बड़े बड़े। ओ ये टेंपल है यहाँ पे दूसरा। तो भाई ये मंदिर है, इस पर अंदर आराम से हम शूज़ उतार के और दर्शन कराए हैं। और ये कुछ यहाँ का नज़ारा है भाई, आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ सारा, बाकी अब अपना नीचे उतरने का प्रोग्राम है। चलें भाई नीचे। तो भाई ये स्टेयर्स उतर के अपना नीचे आ गए हम लोग तो, और अभी जो मेन स्टेयर्स चढ़ी थी वो तो अभी बाकी है। और भाई यहाँ मंदिर में भी जाना था तो यहाँ हमने दर्शन कर लिए बाहर से ही अपना, और अब अपना नीचे चल रहे हैं। बाकी यहाँ पे भी मुर्गे खेल रहे हैं भाई, बढ़िया है देखो फाइट हो रही है। अच्छा एक चीज़ अच्छी लग रही है कहीं कहीं से ना, यहाँ भी पानी टपक रहा है भाई, और नज़ारा ऊपर देखने में भाई अल्टीमेट ही लग रहा है अल्टीमेट। लेकिन भाई उमस काफ़ी हो रही है यहाँ पे ना, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा है अंदर, क्योंकि हवा वगैरह आने का तो यहाँ सीन है नहीं अंदर कहीं से भी, तो इस वजह से ह्यूमिडिटी काफ़ी हो रही है यहाँ। फिर भी थोड़ी कम है, अंदर ऊपर गए थे वहाँ और भी ज़्यादा थी। ये देखो भाई कपिल की हालत ना, भागे जा रहा बिना रुके, इससे रुका नहीं जा रहा इस टाइम क्योंकि पसीने बहुत आए हुए हैं। लो भाई अब यहाँ से ना अपनी सीढ़ियाँ उतरनी शुरू कर रहे हैं, और देखो एक बार नीचे वापसी में ऊपर से देखने में तो हालत ही ख़राब हो रही है भाई, वहाँ तक जाना भी चढ़ के आए हैं। चढ़ के आया था इतना हालत हालत ठीक थी देख रहे हैं। इतना सोच रहा है देखो भाई जी, लगा के जाऊंगा भाई को, पहले पानी दिलाया मुफली खवाई है, जब जाके इसमें वह एनर्जी आई है नीचे उतरने की। नहीं डिसेंट लगाएगा जब उतरेगा, वाकई भाई बहुत जोर पड़ रहा है उतरने में, ज्यादा पड़ रहा है। तो चल रहे हैं भाई अब नीचे उतरते हैं धीरे धीरे। जो यहाँ ना भाई लंगूर अंदर बहुत है, ये देखो आते टाइम तो इन्हें रख लिया था फोन अंदर क्योंकि बिल्कुल ही हमारे नजदीक थे, तो भाई बंदरों का थोड़ा पता ही है आपको, फोन वोन खींच ले जाते सिस्टम है भाई। फाइनली भाई गढ़ जीत लिया है, और ये लो जय हो मुर्गन देवता, फाइनली आ गए भाई नीचे। और पैड़ी चढ़ने में तो हालत खराब हुई हुई थी, उतरने में भाई और भी ज्यादा होगी क्योंकि और एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहे थे भाई, पैर पूरे रखे नहीं जा रहे थे और ध्यान से उतरना पड़ रहा था, कहीं स्लिप हो गए तो और नीचे गिर जाएंगे। तो नीचे आगे भाई और भी, यहाँ तो और भी गर्मी लग रही है, बढ़ गया आई थिंक टेम्परेचर थोड़ा ना, और हालत भी आपको लग ही रहा होगा देख के ख़राब हो रही है। तो अपना यहाँ से निकल रहे हैं और चलते हैं अपना सेकेंड डेस्टिनेशन पर। हमने तो अपने यहीं से हाथ जोड़ दिए हैं भाई, जय वो शंकर भगवान की जय, भोले का नाम ले दिया अपना, मुर्गन देवता तो राजी हो ही जाएंगे। तो भाई अब पार्किंग में आए हैं हम लोग, और यहाँ ना एक से एक गाड़ियाँ दिख रही हैं भाई, एक से एक बढ़िया, ये देखो भाई ज़बरदस्त गाड़ियाँ, ऐसा पूरी बढ़िया वाली फील आ रही है, जैसे फॉरेन वाली फील आ रही है ना भाई वाकई में, इतने पैसे फूक के तुझे लाया हूँ मैं यहाँ। ये कौन सी एक्सेंट है ये यहाँ की, प्रोटोन। अच्छा यहाँ पे ना भाई प्रोटोन कंपनी की गाड़ियाँ बहुत हैं, टोयोटा कोरोला। और भाई एक चीज़ बढ़िया है, सबके जेट ब्लैक शीशे भाई, फ्रंट भी साइड भी अलग ही लग रही है। तो भाई अपना जो कोलालंपुर से ये बाटू केव्स है ना, कितना था 17 किलोमीटर था, तो आने में तो खैर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, हार्डली आधे घंटे में हम लोग आ गए थे। हाँ एंट्री पे तो था ही ट्रैफिक, तो अब यहाँ से भी आई थिंक आधा घंटा हो रहा है जहाँ अपना सेकेंड पॉइंट है आज का, तो वहाँ चलेंगे। वो खड़ी अपनी गाड़ी भाई, ये भी प्रोटोन कंपनी की है गाड़ी,
और प्रोटोन यहाँ की मारुति लग रही है मुझे तो, जैसे मारुति होती है। ये वो एस टीम बिल्कुल ही टिकी पड़ी है ये भाई। गाड़ी होगा तो भाई जवाब नहीं, और अलॉय व्हील्स एक से एक लग रहे हैं भाई गाड़ियों में, एक से एक। ये देखो दोस्तों इस गाड़ी को तो जानते होंगे भाई आप, कौन सी है कपिल? जी वैगन अलग ही लग रही है, व्हाइट गाड़ी और ब्लैक शीशे। इंडिया में हमने देखी है नॉर्मली ब्लैक गाड़ी देखी है ना, वो भी सेकंड हैंड लोग ले। भाई ये हमें एक मॉल में भाई ने ड्रॉप करा है नीचे, और इसमें स्काईवे के लिए ना ऊपर जाना पड़ता है, और ये ऊपर जा रहे हैं अब हम लोग यहाँ से। और ये देखो भाई जैसे मंदिरों में लाइन लगी होती है ना, ऐसे लाइन लगी हुई है यहाँ पे, जबरदस्त भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। और वहाँ तक अभी जाना है घूम घूम के, और वहाँ जाने के बाद एंट्री कहीं होगी मेरे ख्याल, लग जाएगा मैं यहाँ तो पौन घंटा आराम से भाई वहाँ तक पहुँचने में। भाई लाइन अभी भी काफ़ी लगी हुई है, और एक बार क्राउड देख लो अभी। जस्ट हमने ना ई टिकट से अपना अंदर घुसे हैं, और क्यों कोई बात नहीं, बाकी भाई टाइम इतना ज़्यादा लग लिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। A few moments later, भाई अभी भी लाइन में ही लगे हुए हैं, और तकरीबन हमें एक से सवा घंटा हो गया लाइन में लगे हुए ना, और अभी भी लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 10 लगभग 8-10 क्यू अभी भी हमारी जो अभी क्रॉस करनी है, और उसके बाद वहाँ पे कहीं जाके राइड स्टार्ट होगी। तो भाई ये फाइनली हम लोग लास्ट क्यू में आए हैं अभी भी फ़िलहाल, और अभी वहाँ घूम के जाना है इसके ऑफिस के जस्ट पीछे से, और फिर इसमें बैठेंगे, यहाँ नंबर आएगा उसके बाद बैठने का हमारा। तो भाई ये अभी भी यहाँ पे भी साला एक क्यू और बनी हुई है, देखो पूरा घूम के जब आ रही है यहाँ पे। तो भाई ये फाइनली अब पहुँचे हैं और हमारा नंबर आ गया भाई, तो फाइनली बैठ गया अपना इंडोले में। और भाई नजारा देख एक बार पीछे, कहाँ जा रहे हो? कैसा है ये मौसम बदलता नहीं, भीगा भीगा बादल हटता नहीं। कैसा है ये मौसम बदलता नहीं, भीगा भीगा बादल क्यों हटता नहीं। तो भाई अपना यहाँ आ गए हैं, फाइनली उतर गए हैं, और उतरते देखो बादल हो रहे हैं भाई हल्के हल्के ना, यहाँ भी आपको फील नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, बट यहाँ सारे से बादल है भाई, और हवा इतनी तेज चल रही है बहुत जबरदस्त है। कपिल हवा सही है ना, बादल और हवा, वो जियो स्टॉर्म आ गए, जियो स्टॉर्म है क्या भाई? सौदा ये तो ऊपर रेस्टोरेंट और ये खाने पीने का बना हुआ है, बियर चल रही है तो और कुछ ना है भाई, खाने में नॉन वेज है, बाकी देखते भाई क्या क्या है यहाँ पे, जरा एक्सप्लोर करते हैं। खाने पीने के काफी ऑप्शन है भाई यहाँ, और ये देखो ये प्ले एरिया, आ जा रहे एक बार प्ले एरिया देखते हैं। अरे प्ले एरिया भी देख लेना कुछ अच्छा सा हुआ तो, वैसे तो किड्स सेक्शन है ये, बट फिर भी एक बार देख लेते भाई। ये सारा भाई प्ले एरिया है बच्चों के लिए ना, बड़े बच्चे सब खेल सकते हैं, ये टिकट काउंटर वगैरह यहाँ से, और उसके बाद ये प्ले एरिया है पूरा, अलग अलग टाइप्स के खेल है भाई, ये मस्त लग रहा है, आज यहाँ देखते हैं जरा खेल रहे हैं बालक। ये देख छोटे बच्चे लगे हुए फायरमैन भाई, बालक छोटे छोटे लगे हुए देखो, फायरमैन शो चल रहा है ये यहाँ पे बाइकिंग चला रहे बच्चे, ज्यादातर छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे भाई। ये भाई यहाँ पे है राइड्स अलग अलग तरह की ना नीचे, और ये राइड देखो भाई ये सबसे खतरनाक सी लग रही है मुझे, ये देखो ये वो टेबल कप प्लस सीसो सा हो गया है, तो दोनों मिला के। भाई हम लोग घूम रहे हैं अभी मॉल में यहाँ पे अंदर, और बेसिकली तो हम अब जा रहे हैं पहले एक बार स्नो पार्क देखने, इधर ही है स्नो पार्क है ना, स्नो वर्ल्ड वही यार मुझे लग रहा है शायद स्नो वगैरह होगी, और उसमें एंट्री करके थोड़ा बहुत घूम लो खेल लो इस तरह का होगा। बाकी ये साइड में दिख रहे हैं आपको सारे भाई रेस्टोरेंट्स वगैरह लगे हुए लाइन से, और तकरीबन नॉन वेज है भाई यहाँ सारा ना, तो अपने को तो समझ आ नहीं रहा। और लेफ्ट में जो सेक्शन नीचे भी दिखाया था वहाँ पर राइड्स वगैरह हैं, और भाई यहाँ कुछ आई थिंक शॉपिंग वॉपिंग के भी ऑप्शन काफ़ी हैं। भाई ये देखो अभी घूमते घूमते ना ये राइड देखी हमने, ये वो अपनी कप प्लेट राइड जो इंडिया में बोलते हैं वो है, यहाँ बोलते हैं इसको टी कप्स, तो हमें तो सबसे फनी राइड लगी है देखने में अभी तक। हाँ भाई कपिल ट्राई करनी है? नहीं
कपिल कह रहा है भाई ये तो तू उसमें लिया है मेरे से अलग अलग झूले, बेसिकली अम्यूजमेंट पार्क टाइप ही लग रहा है ना, अलग अलग सब कुछ है इसमें भाई, शॉपिंग भी, फूड कोर्ट भी, मॉल ही है ये और क्या एक तरह से। तो भाई हम तो अपना यही देख रहे हैं, देखने में एंटरटेनमेंट हो रहा है पूरा। राइड है दो तीन और देखिए अच्छी अच्छी, एक ये राइड है भाई ये देखो, इंडिया में बोर हो जाते हैं, बोर नहीं, ये राइड है भाई जी फाड़ने वाली तो ये राइड हमने बस देखी देखी है, करी है ये देखो भाई, दिख रहा होगा आपको बहुत तेज राइड जा रही है, और ये देखो ये आई घूमती हुई बड़ी स्पीड से। ये भाई हम आ गए हैं मॉल की दूसरी साइड, और यहाँ टोटली ना सब कुछ शॉपिंग वाला ही सौदा है इस फ्लोर पे एक्चुअली, और ऊपर भी है भाई अभी तो ये सारे फ्लोर जितने दिख रहे हैं ना भाई, ये सारा मतलब कपड़े वपड़ों की वो हैं शॉप्स वगैरह हैं सारी, नीचे भी अरे वाली का है ये तो, और भाई ये ऊपर भी देखो एक दो हमें ब्रांड्स मिली हैं थोड़ा अपना इंडियन वाली, नीचे ली है ऊपर वो है H&M है, देखते हैं भाई। और थोड़ा खाने के लिए हम लोग ना वेज ढूंढ रहे हैं ऑप्शन, अगर मिला तो खा के ही चलेंगे यहाँ से। हाँ भाई कपिल इतना मायूस क्यों है तू तो भाई फाइनली अपना ना यहाँ थोड़ा सा पोपट हो गया, मैकडोनल्ड में खड़े भी रहे 15-20 मिनट वेट करी, और उसके बाद भी हमें वेज ऑप्शन नहीं मिला चिकन और बीफ मिनिमम था, तो भाई ये हो गया ड्रामा थोड़ा सा। बाकी हम अपना भाई हम तो निकल रहे हैं यहाँ से बाहर क्योंकि भूख लग रही है तेज, और कोई है नहीं सिस्टम। और भाई हम तो भूल गए रास्ता, मॉल इतना बड़ा ही है। बाकी यहाँ पे ना ऊपर आगे घूमते घूमते हम सबसे टॉप फ्लोर पे, यहाँ एक चीज़ अच्छी देखने को मिली कि यहाँ ना ओपन रेस्टोरेंट्स वगैरह है देखो दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, तो खाने वाने के लिए लोग बाग यहाँ के जो लोकल क्राउड है वो खूब इन्जॉय कर रहे हैं भाई अच्छे से, हम तो घूम के इन्जॉय कर रहे हैं भाई, खाने का तो कुछ मिल नहीं रहा। बाकी जहाँ जाना वो रास्ते ही भूल गए, पूछ पूछ के थोड़ा सा जा रहे हैं अभी। और फाइनली गाइस हम लोग एग्जिट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं भाई, बड़ा ढूंढा है, कम से कम पौना एक घंटा लग गया, पौना घंटा तो लगी गया हमें ढूंढने में ना, और अब फाइनली ये बस हम पहुंच गए हैं, और इसमें भी काफ़ी भीड़ हो गई। और जब हम लोग ऊपर आए थे खाली था भाई, यहाँ बंदे ही नहीं थे हार्डली, मतलब 15-20 बंदे थे सारी, और अब देखो ये देखो भीड़ कितनी हो गई है इधर, तो नीचे उतरने में भी अब टाइम लगेगा। आई थिंक वही मेरे को जो देख के लग रहा है भीड़ भाई, लगभग लगभग एक घंटा लग जाएगा। भाई ये देखो होटल पहुंच गया मैं अपना, और होटल पे भी ना क्या तरीका है, पहले अपना कार्ड टच करो और फिर फ्लोर नंबर कौन सा हमारा 10, ये देखो भाई ये दबा दिया तो ये सीधा 10th फ्लोर पे जाके रुकेगी लिफ्ट। बिना कार्ड के ना हम अंदर जा ही नहीं सकते इसमें। तो दोस्तों आज अपना भाई दिन लगभग कंप्लीट होने वाला है, और खाना वाना अब खा लिया है, खाना आने में काफी देर लग गई यार, एक्चुअली ना 45 मिनट्स दिखा रहा था और 1.25 घंटा लग गया आने में, पता नहीं या तो दूर था या ट्रैफिक था उस रास्ते में, जो भी था, पर अब खा लिया अपना खाना हमने तो, और अंधेरा भी हो गया भाई, थोड़ा रेस्ट कर लिया था उसके बाद लेट गए थे आधा एक घंटा ना, क्योंकि पूरे दिन आज चलने में ही रहे यार। पहले तो अपना वहाँ केव्स बाटू केव्स गए, तो वहाँ 200 सीढ़ियाँ चढ़े थे, और उतरने में हालत थोड़ी वहाँ भी भाई डाउन हो गई थी। उसके बाद रासा जो हम अपना गेंटिक हाईलैंड पे गए थे ना ऊपर भाई, तो वहाँ भी 2-2.5 घंटे तो लगे हमें नीचे वेट करने में, जो हमारी केबल राइड थी केबल राइड तक पहुंचने में ही लग गए थे 2-2.5 घंटे, और जब उतरे हम वापसी तो भाई घंटा भर उसमें भी लग गया, लाइन में ही खड़े रहे, तो इस चक्कर में भाई थोड़ी सी थकान हो गई थी। हमने कहा अपना खा पी के मस्त पहले रेस्ट कर लेते हैं। हाँ भाई कपिल ठीक करा ना, एकदम बढ़िया एक नंबर। चलो भाई तो आज का भाई ओवरऑल बढ़िया रहा। गेंटिक हाईलैंड के बारे में बता देता हूँ आपको, वो एक तरह से भाई यहाँ का ना जो कहते हैं हिल स्टेशन टाइप, हिल स्टेशन है कोलालंपुर का, तो वहाँ पे हमने बाद में देखा ना वहाँ गाड़ियाँ भी जा रही थी, जो गाड़ियों का रास्ता वो भी था अलग से पूरा ऊपर तक जाने के लिए। और मॉल जो है भाई, वो जो मॉल था ऊपर जाके वो अल्टीमेट था भाई, बहुत बड़ा मॉल था, हम तो खो भी गए थे बड़ी मुश्किल से, मतलब वापसी में ना काफ़ी घूम फिर के आए पूछ पाछ के भी थोड़ा सा, तो ओवरऑल तो ठीक रहा एक्सपीरियंस, लेकिन भाई वन टाइम था अपने लिए। तू क्या कहता कपिल, वन टाइम ही था ना भाई, दोबारा तो नहीं आना
ठीक है तो भाई अपने लिए, मेरे हिसाब से और कपिल के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो वन टाइम था भाई, बहुत था। तो बाकी सही था एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो दोस्तों अपना इस व्लॉग का करते हैं भाई यही एंड, और नेक्स्ट व्लॉग में चलेंगे थोड़ा सा बाहर घूम फिर के आएंगे, आसपास का एरिया, मार्केट वार्केट उसमें दिखाएंगे आपको कैसा क्या रहने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तो इस व्लॉग का करते हैं भाई एंड, नए व्लॉग में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय एंड राम। टोर्रा तुम्हारे छोरे का यो देख टोर्रा, काले शीशे गाड़ी रखे रखे गोड्डा।